नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ एक खास मेहमान है जो अपनी किताब को लेकर इस वक्त सुर्खियों में हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मनीष तिवारी जी हैं। उनकी किताब 10 Flashpoints 20 Years नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इम्पैक्टेड इंडिया। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए सर, और थैंक यू। तो सर, किताब तो बाजार में आने से पहले ही सुर्खियां बटोर रही है, आपके विरोधी इसे बुक बॉम्ब बता रहे हैं, किताब के लिए तो अच्छा माना जाएगा इसे। देखिए, अज्ञानता का के लिए मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है, और बगैर किताब पढ़े अगर कोई उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो उसको क्या कहना चाहिए, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आप मेरे विवेक पर छोड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं, जो 2611 को लेकर आपने एक एक्सेप्ट जो रिलीज हुआ, उस कमेंट को आपके विरोधियों ने आपके द्वारा यूपीए सरकार पर हमला करार दिया था, आप अपने आलोचकों से क्या कहेंगे? देखिए, ये किताब ना तो यूपीए के ऊपर कटाक्ष करती है और ना ही ये एनडीए भाजपा सरकार की आलोचना है। इस किताब को लिखने का एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि जिन परिस्थितियों से भारत गुजरा है, जिन राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का भारत ने सामना किया है, उन चुनौतियों को सामने रखते हुए और उससे कैसे निपटा गया, क्या भारत आज 20 साल बाद अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, ये किताब इस परिप्रेक्ष्य को सामने रख के लिखी गई। मैंने ये नहीं देखने की कोशिश की कि कौन प्रधानमंत्री था, कौन रक्षा मंत्री था, कौन विदेश मंत्री था, किसकी सरकार थी। पेज नंबर 125 है, 2611 से रिलेटेड है, जिसमें आपने लिखा है, आई कोट, अ हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट हैड हेल्ड इंडिया टू रैंसम फॉर क्लोज टू 60 आवर्स, इट हैड टेकन द माइट ऑफ द इंडियन स्टेट दैट लॉन्ग टू डील विद देम। इन लाइनों में शायद आपने जो इमोशंस रखे हैं उससे कोई भी भारतीय कनेक्ट करेगा। ये जो लाइंस थी, ये पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 26/11 का एक परिपेक्ष्य था, और वो परिपेक्ष्य ये था कि कारगिल की लड़ाई के बाद भारत के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर थी उसको पाकिस्तान ने बहुत तेज कर दिया। तो 1999 में IC-814 का अपहरण होता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला होता है, भारत की संसद के ऊपर हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम को अंजाम दिया जाता है, और जब ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था तो जम्मू में मिलिट्री कैंप कालोचुक के ऊपर हमला होता है, उसके बाद मुंबई में रेलगाड़ियों में बम ब्लास्ट होता है, भारत के अनेक शहरों में बम ब्लास्ट होते हैं, दिल्ली में सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उसके बाद 26/11 का ये वाकया होता है। तो लगभग 8 साल तक पाकिस्तान ने अपनी जो प्रॉक्सी वॉर है वो भारत के खिलाफ बहुत तीव्र कर रखी थी, और 26/11 के हमले में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की गई, जिस तरह से लोगों को भून दिया गया, मेरा ये मानना था कि उसके बाद काइनेटिक एक्शन होना चाहिए। और मेरा सदा से ये मानना रहा है कि पाकिस्तान जब भी भारत स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान उसे शक्ति नहीं मानता, पाकिस्तान उसे कमजोरी मानता है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।